गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVFM जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर IVF ब्लास्टोसिस ट्रांसफर टीसा इक्सी मेल इनफर्टिलिटी इनका सबका काम रेगुलरली करते हैं। और डॉक्टर रिंकू बैनर्जी और ईशानी बैनर्जी हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। हम जेनेटिक्स का भी बहुत सारा काम करते हैं ताकि एक स्वस्थ शिशु और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके। देवेन जी से अनुरोध करता हूं कि आज के यूट्यूब कमेंट सेक्शंस को प्रारंभ करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, माइक्रो टीसा क्या होता है? ओके, टीसा क्या होता है और माइक्रो टीसा क्या होता है ये समझा देता हूँ। जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रेगनेंसी में नॉर्मली यहाँ से स्पर्म जाके और यहाँ से अंडा आके ये दोनों मिलके ये ट्यूब के आखिरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। अब सपोज कि जो हस्बैंड है उसका ये टेस्टिस है, ये पेनिस है, और इस टेस्टिस में से जो स्पर्म बनते हैं उनसे एक कॉमन नली बनती है, उसको वास डिफरेंस बोलते हैं। ये नली चल के पेशाब की नली से जुड़ती है और यहाँ से सीमेन में इसके जो स्पर्म होते हैं वो बाहर आते हैं। फिर ये स्पर्म नेचुरल प्रेगनेंसी में यहाँ गिरते हैं और यहाँ से जाते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है। सपोज ये वाला जो रास्ता है ये कहीं ब्लॉक हो या फिर इधर का प्रोडक्शन कम हो तो यहाँ स्पर्म नहीं आ पाएगा। जब यहाँ स्पर्म नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो हम ये एक असेसमेंट करते हैं, उसको एंड्रोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं, और एक जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं YCMD का, वाई क्रोमोजोम माइक्रो डिलीशन का, और एक कैरियोटाइप करते हैं क्रोमोजोम के लिए, ताकि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम इनका स्पर्म यूज़ करें, या तो स्पर्म मिले ही ना, या फिर इसको यूज़ करें तो आगे वाली संतान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरा, ये प्रॉब्लम क्यों हुई वो भी इसमें से पता चलता है एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन से। सपोज हमको ये पता चला कि स्पर्म इसमें हो सकते हैं, तब हम ये असेसमेंट करते हैं कि स्पर्म निकलने की कितनी संभावना है। तो अधिकतर दो प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया, मतलब ये नली जहां ब्लॉक, और एक होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब नली भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर यहाँ का फैक्ट्री बहुत ही पुअर है, मतलब यहाँ बनता है पर बहुत कम बनता है, पूरी फैक्ट्री में नहीं बनता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया में तो आप मल्टीपल नीडल से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्पर्म मिल जाएंगे उस टिश्यू में, उसको टीसा बोलते हैं। टीसा का मतलब होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, इसको TC भी बोलते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ये हमने नीडल से निकाला अंडर एनेस्थीसिया, इसमें दर्द नहीं होता। जब ये फैक्ट्री बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, तब केवल टीसा से नहीं निकालना पड़ता, तब हम क्या करते हैं इस टेस्टिस में एक कट लगाते हैं तो ये टेस्टिस खुल जाती है। तो हमको यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखता है माइक्रोस्कोप, फेरस ट्यूब्यूल हमको मोटे दिखते हैं, जो मोटे दिखते हैं उसमें मान के चलते हैं कि स्पर्म बनता होगा। इसको हम उठाते हैं, इसको फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसमें कितने स्पर्म हैं। जब इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में निकाला जाता है तो उसको माइक्रो टीसी बोलते हैं या माइक्रो टीसा बोलते हैं। माइक्रो टीसा में एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो टेस्टिस है उसमें इंजरी बहुत होती है, मतलब हमको इसको काटना पड़ता है, पर टीसा में इंजरी होती है पर उतनी नहीं होती। तो माइक्रो टीसी या माइक्रो टीसा एक एक्सट्रीम तरीका है खुद के स्पर्म से, खुद के सीड से बच्चा करने का। ये तब होता है जब मेल इनफर्टिलिटी हो और फैक्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो, मतलब टेस्टिस में बहुत प्रॉब्लम हो। कितने बड़े फाइब्रॉइड की सर्जरी होनी चाहिए ये क्वेश्चन बहुत वेग है, क्योंकि फाइब्रॉइड की सर्जरी फाइब्रॉइड के सिम्टम, मतलब वो आपको कितना डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ फाइब्रॉइड ऐसे होते हैं यूट्रस में जो बहुत छोटे रहते हैं, पर बच्चेदानी की जो लाइनिंग है अंदर की उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तब इसको ऑपरेट करना पड़ता है। कुछ बहुत बड़े रहते हैं वो भी डिस्टर्ब करते हैं,
कुछ ऐसे फाइब्रॉइड होते हैं जिनको आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते, ऐसी जगह बैठे रहते हैं। कुछ फाइब्रॉइड ऐसे रहते हैं जो यूट्रस के बाहर हैं और एंडोमेट्रियम मतलब लाइनिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे और बढ़ भी नहीं रहे, तो इनको ऑपरेट नहीं करते। तो ये जांच करके बता सकते हैं कि कौन सा फाइब्रॉइड ऑपरेट करने वाला है, करने लायक है कि नहीं। क्या 0.03 AMH में खुद के एक्स रे IVF ट्राई कर सकते हैं? बहुत कठिन प्रश्न है। और 0.03 में यदि पीरियड रेगुलर है तो मैं कोशिश करता हूं कि खुद के अंडे से एक ना एक बार ट्राई करना चाहिए। यदि दवाई दे के नहीं भी करें तो नेचुरल साइकिल में आप एक जो अंडा बनता है उसको लेके भी निकाल के भी कर सकते हैं। आप बहुत माइल्ड स्टिमुलेशन से एक अंडा भी यदि बनता है तो कर सकते हैं, पर इसके लिए जो पेशेंट, जो कपल और जो डॉक्टर, उनके बीच में जो परस्पर प्रतिबद्धता है, जो एक दूसरे के साथ में समझौता है, समझने की जो शक्ति है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। IVF की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है? IVF की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग अधिकतर होती है, ये भी मैं देखा हूँ। और IVF की प्रेगनेंसी के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम बच्चेदानी में इस भ्रूण को बिठाते हैं अंदर, तो इस भ्रूण को जब हम बिठाते हैं तो एक ये आर्टिफिशियल तरीका होता है। इसका जो भीतर प्रेगनेंसी होती है, उसकी जो कनेरी बनती है, उसमें कई बार जो बच्चेदानी का जो मुंह है उसके पास में यदि ये कनेरी या फिर प्लेसेंटा यदि थोड़ा कोरियोनिक टिश्यू बना तो इसमें से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। तो ये एक काइटोट मतलब इसको आप एपिजेनेटिक प्रॉब्लम बोल सकते हो, या पर IVF में देखा गया कि ये ब्लीडिंग होती है। पर आप अल्ट्रासाउंड करके देख लीजिए कि यदि बच्चा अलाइव है और सब ठीक है, और यदि लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। पॉज MF लेने से काफ़ी कई बार बंद हो जाती है। एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत कम आती है, क्या करना चाहिए? एंडोमेट्रियल थिकनेस यदि कम आती है तो उसका जांच करना चाहिए। एंडोमेट्रियल थिकनेस यदि कम आती है तो उसका कारण पता करना चाहिए। एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ सकती है कि नहीं वो देखना चाहिए। एंडोमेट्रियल थिकनेस में क्या हम कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नहीं वो देखना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप जांच कराते हैं तब ये समझ में आता है कि कितना प्रॉब्लमेटिक। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये चैनल आपको पसंद आता है, आपके कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।